वैसे मैं कभी भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं बनाया अभी तक, इसलिए रेजोल्यूशन का वीडियो भी नहीं बनाया अभी तक। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो लाइट ले लो, डोंट जज मी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका देसी बॉय। जिनको रेजोल्यूशन का मतलब नहीं मालूम मैं बताता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ अ रेजोल्यूशन इज अ प्लान फॉर समथिंग टू बी डन। इस साल क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपन को प्लान करना है। तो इस साल क्या रेजोल्यूशन बनाना है, क्या प्लान है, ये सब डिस्कस करने से पहले एक नजर पिछले साल पे 2021 पे डालेंगे। ये जो साल था, ये जो 12 महीने थे, ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट थे। मैं मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू करा ये साल में, ड्रीम्स को जीना शुरू करा ये साल में, बहुत कुछ सीखा मैं ये साल में। मैं सोचा नहीं था कि 2021 मेरा ऐसा गुजरता। बल्कि 2021 से पहले मसला कैसा था मालूम, एक मामूली मिडिल क्लास बच्चा, उसके ख्यालात, उसके ख्वाहिशात, उसके ड्रीम्स, और एक ना एक दिन वो पूरा करने की सोच। बस पहले ये वो ड्रीम्स पालता था, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना लाइफ में वो करना बोल के सोचता था, उसको नोट डाउन करके लिख के रखता था, बट वो पूरा करने की हिम्मत नहीं मिलती थी, कभी कोशिश भी नहीं करता था पूरा करने की। मगर 2021 में पूरा गेम बदल गया। पहले मैं घर से कहीं भी ज्यादा बाहर नहीं जाता था, अगर गया तो भी फैमिली के साथ ही, अगर कहीं दोस्तों के साथ गया तो भी थोड़ी देर में घर वापस। फिर 2021 में आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाहिशात भरे परिंदे के पर निकलना शुरू हो गए और ये परिंदा उड़ना शुरू करा। मैं 2 दिन के वास्ते घर से दूर गया, लाइफ में फर्स्ट टाइम, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। मैं गया वरंगल, सोनू भैया से मिला, उनके साथ उनके घर पे था और वरंगल घूमा। वरंगल से आते फिर मैं वंडरला गया। फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी ड्रीम पूरी हुई, मेरे खुद के पैसों से अम्मी को मोबाइल गिफ्ट करा। फिर थोड़े दिन के बाद सोनू भैया वारंगल से नलगुंडा आए। इज माय इंस्पिरेशन, उनकी एक्टिंग में पसंद आती थी, मैं एक फैन था, और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कुछ दिन के बाद बापटला बीच को गया। फिर मेरा बर्थडे आया और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं फार्म हाउस को गया। फिर फार्म हाउस से आने के बाद हैदराबाद जाने लगा तो शादी हैदराबाद निकल गया। फिर थोड़े दिन के बाद कैंपिंग वैम्पिंग के शौक हो रहे थे तो फिर वो भी कर लिया। ये सब मैं एक साल में करा बोल के अभी पलट के देख रहा हूँ तो मेरे को भरोसा रह रहा, अब मैं रुपए वाला रहू। ऐसी एक के बाद एक ड्रीम, एक ख्वाहिश पूरी करना है, एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट। असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये थी पिछले साल की कहानी 2021 की। 2022 में मेरे जो प्लान है, मेरे को क्या करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि मेरे को 2022 में किधर किधर कौन से प्लेसेस पे जाना है, कौन से सिटीज में जाना है। मेरे को पहले जाना है वाइजाक 6 और 7 डेज के वास्ते, फिर जाना है दिल्ली 4 और 5 डेज के वास्ते, फिर उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद गोवा या केरला। ये थे प्लेसेस जहाँ पे मेरे को जाना है। अभी इसके साथ कुछ और ख्वाहिशात शौक है जो मेरे को पूरा करना है। स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, गो कार्टिंग, फ्लाई बोर्डिंग, जंगल सफारी। और जो चेंजेस मेरे को लाइफ में लाना है, फर्स्टली तो लेजीनेस छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है, थोड़ा फिट रहना है, साइकिलिंग रनिंग या कुछ भी करते हुए हेल्दी फूड खाते हुए फिट रहना है। सेकंड, और हार्डवर्क करना है चैनल पे, और अच्छे वीडियोस बनाना है और ज्यादा फोकस करना है। ये 2022 के प्लान से देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल गिव माय 1000%। देखेंगे, बस लॉकडाउन नहीं हो रहा बोल के दुआ करो, अगर हुआ तो भी लंबा नहीं चलना बोल के दुआ करो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप ऑब्जर्व करें या नहीं मालूम, ये बीचों में आपका भाई थोड़ा नए कपड़े पे ये टी शर्ट, और इससे पहले के वीडियो में एक स्वेट शर्ट के जैसा एक जैकेट, फिर उसके साथ और एक भी जबरदस्त शर्ट है जो आप नहीं देखे। फिर एक और चीज मैं खरीदा, बहुत जबरदस्त चीज खरीदा भाई, जिसका असर आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का एक वीडियो में बना के रखा, वो नेक्स्ट संडे डाल देगा, राइट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे देसी ब्रो।